अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। जन क्रांति यात्रा का आज लखनऊ में समापन किया गया, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह चौहान ने आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर इसका समापन हुआ। समापन के दौरान अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की खासियत बात यह रही कि अचानक कार्यक्रम के बीच में मुलायम सिंह यादव भी पहुंच गए, जिन्होंने सभी को इस यात्रा को लेकर बधाई दी। बहुत कुछ अखिलेश यादव ने और भी कुछ कहा, आई सुनते हैं। बधाई देता हूं इस यात्रा पर निकले और हर वर्ग के लोगों को जगाने का काम किया। हर वर्ग के लोग जागे हैं। जिस दिन से आपने यात्रा शुरू की है, जिन जिन जिलों से होकर के आई है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाए। प्रत्याशी कहाँ है? दोनों लोग फ्रेम में। इसीलिए समाजवादियों ने कहा है कि अब की बार 400 पार। लोगों ने कम सीट के लिए नारा लगाया, लेकिन इस बार समाजवादियों ने लगाया है और उसमें डॉक्टर चौहान, संजय सिंह चौहान जी, महान बल और दल भी मिलकर हम लोगों का प्रयास होगा जनता को साथ लेकर के, क्योंकि जनता में इतनी नाराजगी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जनता एक दिन भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखना नहीं चाहती। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, किसान की पैदावार की आय दोगुनी नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ने जहां किसानों का कर्ज माफ करने का कहा था और वहीं कहा कि जो पैदावार होगी उसकी, जो आय होगी किसान की, उसको हम दोगुना कर देंगे। तो किसानों की पैदावार की आय तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन सिलेंडर कितना हो गया? दोगुना हो गया कि नहीं हो गया? रसोई गैस का सिलेंडर की कीमत हमारी बहन बता रही है, क्योंकि इन्हें घर देखना पड़ता है। ये जो हमारी बहनें खड़ी हैं, ये बता रही हैं कि सिलेंडर की कीमत दोगुनी हो गई है और ये अब घर नहीं चला पा रही हैं। और कई हजार रुपया अब इनको ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है केवल घर चलाने के लिए। डीजल कितना बढ़ गया, पेट्रोल कितनी महंगी हो गई। और याद कीजिए उस समय भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने क्या कहा था, केंद्रीय सरकार के मंत्री जी ने क्या कहा, जब सरसों का तेल महंगा हो गया था, जब सरसों का तेल महंगा हो गया तो सोचिए क्या जवाब दिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। उन्होंने, सरकार के लोगों ने जवाब दिया कि सरसों के तेल में मिलावट हम नहीं कर पा रहे इसलिए महंगा है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो गैस निकालने की सिलेंडर। और यही नहीं, आप खाद की बोरी खरीदते होगे, कीमत वही रही और खाद में से बताओ कैसी सरकार है ये। और नोटबंदी क्या किया था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। डॉक्टर संजय सिंह चौहान जानते होंगे, इन्हें लोगों ने शिकायत की होगी कि बताओ भ्रष्टाचार किस तरह बढ़ गया है। अच्छी योजना थी, 100 नंबर उसको भी बर्बाद कर दिया हमने। इसलिए मैं बहुत सोच रहा था कि हिंदी में क्या शब्द गाऊं कि नेताजी जब आ गए हमारे कार्यक्रम में। हिंदी में मुझे कोई कार्यक्रम कोई शब्द नहीं मिला, इसलिए अंग्रेजी का ही मुझे बोलना पड़ रहा है कि आइसिंग ऑन द केक। अब हिंदी में कोई अच्छा शब्द हो तो बताओ। सोने पे सुहागा। नेताजी के आने से शोभा बढ़ी और रौनक हमारे कार्यक्रम भी बढ़ गई। बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनके सहयोगी समर्थकों को बधाई देता हूँ। और अरविंद गिरी जी और उनके सहयोगी साथी लगातार चलते रहे, यूथ के लोग और जिन जिन जनों में पार्टी और आपके लोग खड़े होकर के इंतजार करते करते जिन्होंने आपका स्वागत किया, कार्यक्रम को सफल बनाया। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सभी लोगों को उत्तर प्रदेश के जहां जहां यात्राएं निकली हैं उनको समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष
और उनके साथ बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता किसान नौजवान पटेल यात्रा पर निकले। समाजवादी व्यापार सभा मंडलीय सम्मेलन कर रही है और इसी तरीके से लगातार यात्राएं होती रहेंगी और यात्राएं तब तक नहीं रुकेंगी जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में ना आ रही है। मैं सभी साथियों को चौहान समाज के लोगों को बधाई देता हूं और ये भरोसा दिलाता हूं कि जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया उस सम्मान को देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। आपके समाज को समाजवादी पार्टी कभी पीछे नहीं हटेगी और आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपके साथ जो अन्याय हुआ है आने वाले समय में कहीं भी किसी तरह का अन्याय नहीं होने देंगे। समाज को आगे बढ़ाने के लिए अगर हमें आपके समाज के बीच के लोगों को भी आगे बढ़ाना पड़ा तो समाजवादी लोग आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभासाक्षी, लखनऊ।